यह शिक्षिका एक मॉडल की तरह शान से चल रही है। वो धीरे से नल के पास आती है और अपने लंबे बाल रखती है। पानी पीने के लिए झुकने का उनका सेक्सी तरीका किशोर लड़कों को चांद के ऊपर बनाता है। यह छात्रा उससे सबके सामने डेट मांगने की हिम्मत करती है। वो गुस्सा हो जाती है और उसे एक महीने के लिए स्कूल के बाद कक्षा में रहने की सजा देता है। दंडित होने के बावजूद डोनी बिल्कुल भी नहीं डरता। शिक्षक उसके पास आता है, वो उसके मुंह से च्यूइंग गम निकालती है और खाती है। फिर उसने अपने कॉलर उसके सामने खोल दिया। शिक्षक के प्रलोभन का सामना कुछ अतिरिक्त कक्षाओं के लिए डोनी को शिक्षकों के कार्यालय में ले जाया जाता है। कार्यालय से शो यहाँ तक हाथ से टूटे हुए शिष्य को मौत के घाट उतार देता है। तब से डोनी के पास आमतौर पर अपने शिक्षक के साथ अतिरिक्त कक्षाएं होती हैं। इसके अलावा वो अक्सर अपने परीक्षणों में 3 स्कोर करता है, जो काफी अच्छा है। पोडियम पर भाषण देने के बाद भी उसके शिक्षक उसे उत्साहित करते हैं। एक चुनाव में जब कोई लड़का भाषण दे रहा हो, उसके पीछे के पर्दे से कुछ अजीब सी आवाज आती है। पर्दा हटने के बाद एक दृश्य सभी छात्रों को हैरान कर देता है। डोनी ने अपने कपड़े पहने और मंच पर चला गया। उसे समझाए बिना छात्र बिना रुके ताली बजाते हैं। उसे लगता है कि वे सभी उसे एक मूर्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ा घोटाला बन जाता है। शिक्षक को उसके शिक्षण मुद्दे के कारण अदालत में ले जाया जाता है। उसे 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। हालांकि इससे भी अधिक विडंबना यह है कि वो डोनी के साथ गर्भवती हो गई है। जज फैसला करता है कि बच्चे के जन्म के बाद डोनी के माता पिता उसकी देखभाल करेंगे और जब डोनी 18 साल का हो जाएगा तो वो यह जिम्मेदारी लेगा। इस कांड के कारण डोनी एक मीडिया स्पॉटलाइट बन गया और अधिक से अधिक प्रसिद्ध हो जाता है। उन्हें विज्ञापनों के लिए कई ब्रांडों से बहुत सारे निमंत्रण मिलते हैं। युवा डोनी एक भाग्य बनाता है और एक समृद्ध जीवन है। महंगी कार के साथ शराब पीता हुआ एक जज आदमी एक कानून कार्यालय में प्रवेश करता है। वकील उसे बताता है कि उस पर पहले से ही बहुत पैसा बकाया है। अगर वो अपने कर्ज का भुगतान नहीं करता है, उसे कुछ साल के लिए जेल की सजा सुनाई जाएगी। कई सालों के पैसे बर्बाद करने के बाद डोनी के पास अब तक केवल $20 है। इसलिए वकील उसे मैराथन सट्टेबाजी में भाग लेने का सुझाव देता है। इस मोटे आदमी का जीत का अनुपात 1:8000 है। अगर वो जीत जाता है तो डोनी को बड़ी रकम मिलेगी। हालांकि यह विश्वास करने लायक नहीं है। डोनी अपने शेष $20 के साथ एक शर्त लगाता है। इस बीच डोनी सोचता है कि वो शांत नहीं बैठ सकता और इस तरह अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकता है। इसलिए वो दूसरा रास्ता खोजने के लिए दूसरे दलाल के पास आता है, लेकिन इस दलाल का कहना है कि विज्ञापनदाता अधिकतम $400 का भुगतान करेंगे अगर डोनी अपने बेटे को ले जा सकता है। जेल में अपनी लंबे समय से न मिलने वाली पत्नी से मिलने के लिए वो फिर से बहुत पैसा कमा सकता है। तब वो अटकलों का मौका जब्त कर सकता है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, ताकि उसे जेल की सजा न हो। डोनी के पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कई लोगों से पूछने के बाद डोनी अपने बेटे टॉड को पाता है, जो सालों पहले घर से भाग गया हो। टॉड इस समय वॉल स्ट्रीट में कार्यरत एक युवा बजट प्रबंधक है। उनके पास जमीन नाम की एक मंगेतर भी है। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत खराब है। उसने अपने पिता के साथ अपने संबंध तोड़ लिए हैं, लेकिन उनके पिता अचानक उनके सामने प्रकट होते हैं और उन्होंने इसके लिए तैयारी नहीं की है। वो चौंक जाता है और अपनी सास पर पानी छिड़कता है। टॉड घबरा जाता है और अपनी सास के लिए पानी पोंछता है, अपने ससुर को समझाते हुए कि डोनी उसका सबसे अच्छा दोस्त है जिसे वो कई सालों से संपर्क खो चुका है। अप्रत्याशित रूप से उनके सास ससुर वास्तव में उदार हैं और डोनी को अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित करता है। कमरे में डोनी उसे जेल में अपनी माँ से मिलने के लिए कहता है। टॉड क्रोधित हो जाता है और डोनी के पक्ष को अस्वीकार कर देता है। वो अपने पिता की आलोचना भी करता है, बचपन में पिता की जिम्मेदारी नहीं निभाने पर। वो डोनी के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। लेकिन अगले दिन मोटी चमड़ी वाली डोनी अभी भी टॉड की सगाई में भाग लेता है। उनका हास्य सभी का ध्यान आकर्षित करता है। एक आदमी को अचानक पता चलता है कि वो पहले एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वो मजाक में डोनी से भी पूछता है, उसका और शिक्षक का बच्चा अब कैसा है। डोनी जवाब देते हैं कि उनका बेटा एक गुप्त काम कर रहा है जो प्रकट नहीं किया जा सकता। टॉड जो अपने पक्ष में खड़ा है राहत महसूस करता है। सगाई के बाद डोनी एक नाइट क्लब में जाने का सुझाव देते हैं। हालांकि टॉड का कहना है कि उन्हें यह पसंद नहीं है, लेकिन उनका शरीर बहुत ईमानदार है। नाइट क्लब छोड़ने के बाद डोनी उसे और मैरी की प्रेम प्रतिज्ञा बाहर ले जाता है और औपचारिक रूप से टॉड को देता है। वो टॉड को इसे ध्यान से रखने के लिए कहता है। टोडी नशे में धुत हो गया है, इसलिए वो बिना कुछ कहे तुरंत ही डाल देता है। वे अपने संघर्ष को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं और साथ में आइस स्केटिंग रिंक पर जाएं। डोनी टॉड को सड़क पर अपनी बाइक चलाना भी सिखाता है। एक रात के बाद उनका रिश्ता और करीब आता है। उन्हें लंबे समय से खोए हुए पितृत्व की गर्मी महसूस होती है। टॉड धीरे धीरे अपने पिता को स्वीकार करता है, जबकि डोनी को एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है। अपने सपने में डोनी को टॉड से एक कॉल प्राप्त होता है, लेकिन डोनी को पता चलता है कि हब इस पर पैसा कमाना नहीं चाहता और टॉड को वापस आने के लिए कहता है। लेकिन टॉड बहुत खुश है कि वो सीधे जेल जाता है, इसलिए डोनी जल्दी से वहाँ भी चला जाता है। फिलहाल वो अपने बेटे को जाने के लिए कहता है। एक सुंदर और सेक्सी महिला दिखाई देती है। वो अपने बाल रखती है और एक मॉडल की तरह शान से चलता है। वही महिला, वही वाइब, सुश्री मैरी उन वर्षों के बाद भी आकर्षक है। डोनी को देखकर वो अब और नहीं जाना चाहती। दो पुरुषों द्वारा देखा गया। मैरी धीरे धीरे उनके पास आती है और फोन लेता है। वो टॉड को कुछ शब्द कहते हैं और डोनी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। क्या तुम अब भी मेरे शरारती लड़के हो? जबकि टॉड अपने माता पिता को एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते देख रहा है, अचानक एक माइक ओवरहेड दिखाई देता है। यह टीवी स्टेशन के लोग निकले
डॉनी पसीना बहाता है और जल्दी से अपने बेटे को समझाता है कि वो पीछे नहीं मुड़ सकता और उसे टीवी स्टेशन के लिए भुगतान करना होगा। टोड सच जानता है और डॉनी के शब्दों से वास्तव में आहत महसूस होता है। वो बिना कुछ कहे तुरंत निकल जाता है। उसने अभी अभी अपने पिता के साथ समझौता किया है, लेकिन उसके पिता उसे फिर से निराश करते हैं। दलाल डॉनी को बताता है कि यह टॉड की अनुमति लेता है टीवी स्टेशन के लिए उसे पैसे देने के लिए। डॉनी ने अपना बेटा और पैसा दोनों खो दिया है। वो बहुत दुखी महसूस करता है और जाने के लिए अपना सामान पैक करने के लिए घर वापस आता है। हालांकि वो अपनी बहू जिमी को सुनता है जो अपने बॉस से चुपके से बात कर रहा है। शाम को कई लोगों के सामने डॉनी ने जिमी पर अफेयर का आरोप लगाया। अप्रत्याशित रूप से ताड़ी उग्र हो जाता है और डॉनी को बताता है कि वो अब उस पर विश्वास नहीं करेंगे। डॉनी के पास कोई सबूत नहीं है। यह देखकर कि उनका बेटा उनके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है, वो अपना मन बना लेता है टॉड की दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाना। जाने से पहले अपने बेटे को खुश करने के लिए वो जिमी से माफी मांगने के लिए होटल जाता है। हालांकि बाहर से डॉनी को अपने कमरे में कुछ खास शोर सुनाई देता है। सोते हुए कुत्ते को न जगाने के लिए वो होटल के बाहर खिड़की से कमरे में घुसने की पूरी कोशिश करता है। वो जिमी को अपने भाई के साथ सोता हुआ पाता है। डॉनी को देखकर जिमी जल्दी से खुद को ढक लेती है। उसे चिंता है कि वो उसके अफेयर का खुलासा कर देगा, इसलिए वो डॉनी को चुप कराने के लिए पैसे देती है। यह पैसा उसके लिए अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। टॉड की शादी के दिन डॉनी अपने कमरे में रहता है और ध्यान से सोचता है। उसे लगता है कि उसने अपने बेटे का बहुत अधिक कर्ज लिया है, इसलिए उन्होंने टॉड को सच बताने का फैसला किया। वो अपने बेटे को जीवन भर धोखा नहीं दे सकता, इसलिए वो अपने दोस्त की कार उधार लेता है और समय पर शादी में भाग जाता है। डॉनी ने जिमी को सबके सामने एक्सपोज किया और उसके मनी ऑर्डर को फाड़ देता है। वो टॉड को सच बताने के लिए जिमी से पूछता है। जब टॉड सच जानता है तो वो इसे अविश्वसनीय पाता है। क्या तुम अपने भाई के साथ सोते हो? हे भगवान! इस समय उसे लगता है कि उसके लिए डॉनी का प्यार है, इसलिए टॉड अपने पिता और पुत्र के रिश्ते को सबके सामने प्रकट करता है। वे फिर से करीब हो जाते हैं और साथ में नाइट क्लब में जाएं। टॉड अपने पिता को अपने कर्ज पर मदद करने का फैसला करता है, लेकिन डॉनी को लगता है कि उसे खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस समय ठीक मैराथन का सीधा प्रसारण किया जाता है और मोटा आदमी लगातार कई लोगों से आगे निकल रहा है और चैंपियन बन जाता है। शुरुआत में उसने $20 का दाम लगाया और अब उसे $160,000 मिलते हैं। पिता और पुत्र फिर से समृद्ध जीवन में आए। फिल्म दोनों की खुशियों भरी चीखों के साथ समाप्त होती है। इस मूवी में एक फनी स्टोरी प्लॉट है, लेकिन इसके कुछ गहरे अर्थ भी हैं। हालांकि डॉनी ने कुछ अस्वीकार किया, वो एक बुरे लड़के से बदल गया एक जिम्मेदार पिता में। पीछे मुड़ने में कभी देर नहीं होती।